it's me Ashu. Welcome back to my vlog with you. So in today's video, today is Friday. तो आज का मेरा जितना काम था जो था सब मैंने फिनिश्ड कर लिया है. अभी इवनिंग टाइम हो रहा है तो मैं इवनिंग टाइम पे आपके साथ सोची कि व्लॉग शेयर करती हूँ. वैसे भी इधर बैक टू बैक मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. और आज हम लोग चलने वाले हैं बाहर क्योंकि कुछ हादिया कराना है और उसके बाद फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी है छोटी मोटी. तो मैं सोची कि चलो ठीक है व्लॉगिंग आप लोगों के साथ करती हैं. और बस मैं जब कभी भी बाहर जाती हूँ तो ये बच्चा आ जाता है मेरे व्लॉग में. आ जाओ आ जाओ, मोस्ट वेलकम बेबी. नहीं तो जैसा कि अभी मेरा घर न्यू रिनोवेट हुआ है तो मेरे को ना अपने घर के लिए माशाल्लाह लेना था. ज़्यादा बड़ा भी फ्रेम नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब ऐसा कि देखने से भी प्यारा लगे और मैं अच्छे तरीके से हैंग कर सकूं, क्योंकि घर भी उतना बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ है. तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को फ्रेम भी चाहिए था. तो मैं यहाँ पर ये वाला फ्रेम देख रही थी एंड इसका प्राइस समथिंग 500 या 600 के आसपास में था. तो मैं और भी स्क्वायर में भी फ्रेम देखी, रेक्टेंगल में भी देखी, तो मुझे एक फ्रेम पसंद आया जो कि रेक्टेंगल में था. एंड यहाँ मैं घर पे आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी. तो मैं अपने पापा को बोली तो पापा मेरे काटी ठोके और ये वाला फ्रेम हमने फाइनली लिया था. इसमें माशाल्लाह भी है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह भी है और एक और दुआ है ला इलाहा अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन. तो ये तीन दुआ इसमें था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. तो फाइनली मैंने इसको हादिया करा लिया था. वेरी अमेजिंग. तो ये सोनी अपने घर लेके जाएंगी. ये फ्रेम मैं इसलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि मेरे पास इसका सेम है, चारों फूल वाला और यासीन वाला. ये बहुत अच्छा है, लाइक इसमें यासीन है. अति दो मिनट चुप रहिएगा. इसमें यासीन है, लोहे कुरानी है, दुआए कनूद है, दरुज शरीफ है, आयतुल कुर्सी है, चारों फूल है. और ये वाला है जो कि मतलब दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए लगाया जाता है. तो हाँ, ये सोनी लेके जाएंगे अपने घर क्योंकि इसका सेट है मेरे पास दो. और एक और मैंने हादिया कराया है, उसका मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे क्योंकि उसको मैं आती के साथ अपने घर के ना जैसे हम लोग एंट्री करते हैं वहीं पे एंट्रेंस पे ही मैंने उसको लगवाया है क्योंकि एंट्रेंस पे वो सब चीज़ें रहती हैं तो घर में मतलब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं. तो इसलिए ऊपर वाले ग्रामो क्रम से आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिव एनर्जी इन माई होम. तो हाँ, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा घर पे रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस भी करना चाहिए. देखो, वीडियोस बनाना, हर चीज़ करना, वो सब चीज़ अलग है, बट ये सब चीज़ें भी अलग हैं. और उसके बाद फिर मैं ली हूँ सोनी की जो भतीजी है उनके लिए उर्दू का बुक, जिसमें कि जैसे इंग्लिश का बुक होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सिमिलर वैसे ही है ये भी. तो इसमें होता है अलिफ फॉर अनार, बे फॉर बस, ऐसे ही करके पूरा है इसमें. और जैसे पिक्चर्स बने रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट मिलता है. तो अभी आतिक देखा है आतिक के साथ, तो तुम्हें भी चाहिए ना ऐसा बुक. तो ये भी बहुत इंटरेस्ट लेके देख रहा था कि ये क्या है, मैं भी पढ़ूंगा मैं भी पढ़ूंगा. तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं इसी में का सेम बुक एक आतिक के लिए भी ले लूँगी. फाइनली मैं एक डॉल ली हूँ जिसमें कि डॉल की बेबी भी है, मतलब एक बड़ा सा डॉल एक छोटा सा डॉल है. सेम इसी में का डॉल एक जैनब ने भी मुझे गिफ्ट किया है. तुम हाँ ठीक है, तुम आ रही हैं, मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है. तो अच्छा ठीक है, मतलब जब घर में बच्चे हो ना तो आप ये सब कुछ नहीं ला सकते हो. सो दिस इज द डॉल. इसको पैकेट में इतना पैक है ना, मैं गई थी अभी शॉप पे देखने को, मुझे लगता है ना सारे बार्बी डॉल का फेसेस एक जैसे ही होते हैं. अभी इसको मम्मी देखेंगे तो मुझे बहुत डांटने वाली है, बट मैं इसको ली हूँ अपने वीडियो पर्पस के लिए. जैसे मैं बहुत सारे ड्रेस बनाती हूँ, आउटफिट बनाती हूँ, उसके कपड़े बच जाते हैं, तो मैं दिखा सकती हूँ कि डॉल का आप लोग आउटफिट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, डॉल का कैसे आप लोग आउटफिट बना सकते हो. तो इसलिए एक मेरे को एक छोटू सा भी गुड़िया मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बेबी डॉल का भी हम लोग फ्रॉक बनाएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड इस दुपट्टे में पता नहीं कि मुझे बहुत गर्मी सी हो रही है, बट यार ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज द डॉल. इसके साथ साथ हमें तो गाइस आई एम कटिंग दिस सलवार और ये वही सलवार है जो इस फ्रॉक का सलवार है, तो मैं सिमिलर वही स्टिच कर रही हूँ सेम सलवार उसको डाल के क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है. तो स्ट्रेट पैंट रहेगा और इतना कपड़े इसमें बच रहा है क्योंकि इसमें ना ढाई मीटर कपड़ा था. एक तो ये लोग यार ऐसा बाजा बजाते हैं, लेकिन मेरा वो बंद देख रहे हो क्या करना पड़ता है. तो इसका सलवार का कपड़ा एक्चुअली में 2.5 मीटर था, इसलिए इसमें बहुत सारे कपड़े बचे हैं. तो हम लोग स्लीव आराम से काफी अच्छा खासा स्लीव हो जाएगा. और तो इसमें से इस गुड़िया का कपड़ा भी बन जाएगा यार, जो गुड़िया में भी लेकर के आई हूँ. इसका दुपट्टा दिखाइए कैसा है. दुपट्टा इस सूट का बहुत प्यारा है और ये सूट सोनी के घर से ही मुझे गिफ्ट में मिला था, तो बहुत दिन से ये सूट रखा हुआ था. तो नहीं, ये दुपट्टा आप लोग के लिए सरप्राइज.
सरप्राइज होगा मिलाद वाले दिन के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, है ना, सब कुछ आज ही दिखा दूंगी तो फिर उस दिन क्या रहेगा। दुपट्टा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत क्यूट क्यूट सा दुपट्टा, कलर भी बहुत प्यारा है। एक्चुअली में इस कलर का मेरे पास 4 सूट हो गया बट फिर भी मैं ये कलर बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा लगता है ना। हाँ ये बिलिस्टिक है, लिपस्टिक है, जो आप लोग को ढूंढना है सब है। एक ड्रॉर दिखा था यार उस शॉप में मेरे को वो ड्रॉर लेने का बहुत मन कर रहा है, छोटू सा ड्रॉर था, गुड़िया का बहुत सारा सामान उसमें आ जाता। और पापा बोलेंगे खाना पच गया है। हाँ पता है, जब जब बाहर निकलते हैं तो पापा पूछते हैं खाना पच गया, आज खाना पच गया। अब पापा को कम रहता है कि यार काम के लिए ना निकलना पड़ता है। फ्रॉक था सोनी का जो हमने स्टिच करा था, तो उन फ्रॉक को देना था पीको में, क्योंकि पीको मशीन मेरे पास नहीं है, सो दैट्स व्हाई। सूट कटिंग करूंगी मैं, और आज टाइम 7:30 बज रहा है ना। हाँ जी 7:30 बज रहा है, और मेरे को आज इस सूट सलवार दोनों को फिनिश कर देना है क्योंकि कल बहुत सारे काम है। टुमारो इज सैटरडे, फ्राइडे, तो कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा सिलाई करने का। मेरी मम्मी बोली कि मत सिलो, इतने सारे तो कपड़े हैं, तो मैं बोली नहीं मैं इसी को पहनूंगी क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। सो या एंड कटिंग जो है वो डन हो गया। सो गाइस फाइनली ये आ गया, एंड इसको सोनी अनबॉक्स कर रही है। कुछ भी रख दो यार इसमें, मैं तो इसमें गुड़िया का कपड़ा रखूंगी, गुड़िया का मेकअप रखूंगी, और गुड़िया को बहुत सारा सामान रखूंगी। फाइनली पता है इसको दोबारा मैं अपने भाई को भेजी मंगाने को, और ये थ्रेड भी मंगाना था क्योंकि सेम कलर का थ्रेड नहीं था, तो ये थ्रेड भी मंगाई हूँ। और फिर ये बॉक्स बोली उसको कि जाके ला दे यार, पता है मेरा दिल अटक गया था इस पर इसीलिए। एंड यार दिस इज अमेजिंग, बहुत मस्त है। अच्छा ना सोनी, मुझे ना बचपन से ही सिलाई वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जब देखा करती थी दूसरों को कि यार कपड़े ऐसे बन रहे हैं, कपड़े वैसे बन रहे हैं, या फिर मेरे पापा भी अगर मेरा सूट वगैरह सिलवा करके लेके आते थे, तो मैं सोचती थी कि यार ये कैसे सिलता है, कैसे बनता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता था। और माशाल्लाह मैं बचपन से किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, चाहे वो पढ़ाई था, चाहे वो स्टिचिंग था, चाहे वो कलरिंग था, हर एक एक काम में मैं बहुत ज़्यादा दिल से इंटरेस्ट लिया करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता भी था कोई भी काम करने में। सो इस टाइप से ना मैं अपने सलवार को यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ, और अब जब मैं अपने कपड़े को स्टिच करती हूँ दिल से मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इनफैक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही कपड़े सिलती हूँ, आज तक मैं अपनी मम्मी का भी कपड़ा नहीं सिली हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी प्लेन सूट पहनती हैं, तो मैं प्लेन सूट में बोलती हूँ कि यार मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो मैं टेलर को देती हूँ। और जब मैं मशीन पर बैठती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा डिज़ाइनर कपड़े ही बनाने की कोशिश करती हूँ। ये तो एक सूट रखा हुआ था और बहुत ही अर्जेंट में मेरे को बनाना था, तो मैं खुद भी बनाने लगी, वरना मैं इसमें भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन निकालती और इसको भी कुछ डिज़ाइनर बेसिस पे ही बनाती। सोनी आई हुई थी मेरे घर पे, तो मैं उसके लिए भी दो फ्रॉक बनाई, एंड इट वाज वेरी अच्छा वाला फ्रॉक था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घेर रखती हूँ अपने सारे फ्रॉक में, चाहे वो अम्ब्रेला फ्रॉक हो या प्लेन फ्रॉक हो, कोई भी हो, बट मैं फ्लैट बहुत ज़्यादा रखती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सोनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और फ्रॉक काफ़ी अच्छा बन गया था, काफ़ी हद तक बन गया था। सो हाँ, और मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं काफ़ी पढ़ूँ लिखी हूँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन पता नहीं मेरी मती मारी गई थी कि क्या हुआ, बट मेरे को आगे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया, और मैंने लास्ट अपना एजुकेशन ग्रेजुएशन पे मैं रोक दी। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पापा ने बहुत ट्राई करा कि मुझे आगे तक पढ़ा सके, बहुत उन्होंने इनफैक्ट मुझे बहुत डांटा भी कि तुम अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करो, आगे पढ़ो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, और मैं बस इसी में खुश हूँ। तो जो भी मेरी लाइफ में है मैं उसी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपना हर एक काम में बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई से मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी भी रहती तो कुछ ज़्यादा कर पाती अभी, क्योंकि मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैं वो करती हूँ और दिल से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं जितना में हूँ मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड या बस अब आगे वीडियो देखो और इन्जॉय करो। गाइस ये देखो सोनी कितना छोटा छोटा पराठा बनाती है, ये देखो एकदम लग रहा है ना तकिया है, तकिया है ऐसा लग रहा है सोनी, नहीं ये सच में कुशन के ऐसा लग रहा है, बीच से फूला फूला और साइड से ऐसे, वाओ बहुत सही। वाओ फूला फूला सब पराठा एकदम छोटा छोटा। हाँ कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि आशमिन आपकी रोटी बहुत बड़े बड़े हैं, तो हाँ मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ, और मेरे रोटी के सामने सोनी का रोटी बहुत छोटा होता है, मतलब इसके 3 लोई मेरा 1 लोई,
राइट नाउ आई एम इन माई रूम एंड आई हैव ट्राइड दिस स्पाइरल हेयर स्टाइल, बट मैंने इसको क्लचर से नहीं करा, मेरे पास ऑलरेडी हेयर ब्रश के सेट थे तो मैं उसे सीखी हूँ एंड या अच्छे से स्टाइल हो गया, बट इस साइड मेरा बाल कम था इसलिए ऐसा हुआ है, इस साइड का थोड़ा ज़्यादा था तो इधर थोड़ा मतलब और फिनिशिंग के साथ चाहिए था, बट ठीक है ऑल ओवर मेरा काम लाइक हो गया है। और अभी रात का 11:30 बज रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ कि नाइट टाइम पे मैं अपना शूट करती हूँ, तो हाँ 11:30 के अप्रॉक्स में हो रहा है। और अभी मैं हूँ अपना शूट करने के लिए, मुझे दो शूट अभी करने हैं, पिलग्रिम का विटामिन सी स्किन एंड बॉडी केयर रेंज का रिव्यू करने हैं। प्लीज़ अभी आप देख सकती हो मैंने ये वाला एक लुक क्रिएट करा है जो कि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में दिखाई हूँ, तो बताओ मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मेरा शूट चल ही रहा है, रात का काफ़ी रात हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक स्टॉल बांधे हैं, उसके बाद फिर एक हेवी दुपट्टा ऊपर से ली हूँ, तो मैं इसमें दिखाई हूँ कि आप लोग किस तरीके से ऐसे दुपट्टे को ड्रेप कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे, थोड़ा उधर मैस है यार, प्लीज़ इग्नोर कर देना। सो दिस वॉज माई टूडेज आउटफिट, और इस कपड़े का जो मटेरियल है दिस इज कॉटन ग्लेज एंड दुपट्टा जो है वो नेट है। बहुत लोग जो हिजाब कवर करते हैं तो उनको फुल हिजाब के साथ ना मतलब ऐसा दुपट्टा लुक चाहिए होता है, तो बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से टेक्निक से बताई हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं ऐसी कैसी लग रही हूँ, मेरे को व्लॉगिंग इसी टाइप से करके करना चाहिए क्या, बताओ बताओ। अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि हाँ मुझे ऐसे ही करके वीडियोस बनाने चाहिए या फिर व्लॉगिंग करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर से करूँगी आप लोग के कॉमेंट्स पर, ज़रूर से मैं बता रही हूँ ना। सो या बताओ कैसे लग रहे हैं ये लुक एंड मैं कैसी लग रही हूँ, और इसका फुल वीडियोस लाइक शॉर्ट बनाई हूँ मैं, ऐसे लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाई हूँ मैं, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं इसीलिए। बट बहुत गर्मी फील हो रहा है ऐसे करके, मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे हिजाब कवर की हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि वाह मतलब अच्छा लग रहा है यार, फेस पे एक अलग तरीके का नूर आ जाता है एंड इट्स लुकिंग ऑसम। काफ़ी रात हो रहा है सो आई थॉट कि अपना हेयर वगैरह जो है उसे मैं अनक्लिप्स कर लूँ, और आज मैं बहुत छोटा सा ड्रॉअर बाई की हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर मैं दोबारा से अपने भाई को भेजी और मैं बोली कि जाके बाय कर दे यार, तो फिर वो गया और फिर उसने बाय करके लाया, वो तो अच्छा हुआ कि मैं पिक्चर ले ली थी। एक्चुअली देखो शॉप पे जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उसकी पिक्चर ले लेती हूँ, क्योंकि घर आते थे शायद मेरा इरादा बताया जाए कि मुझे उसे लेना ही लेना है, तो यही होता है और मैं उसको ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मॉर्निंग हो गया, रात में मैं बहुत लेट में सोई थी क्योंकि मैंने शूट किया था, फिर मैं एडिटिंग की थी, फिर अप्रूवल के लिए हमें वीडियो सेंड करने होते हैं ब्रांड को, तो मैं वो सब काम की थी, तो मेरे को रात का 3:30 बज गया था ऑलमोस्ट, तो मैं सोई और अब मैं उठ गई हूँ 8:30 बजे। मतलब कि मेरा एक रूटीन है कि मैं कितना बजे भी सो, अगर मैं 12 बजे भी सोती हूँ तो भी मैं 8:30 बजे उठती हूँ, अगर मैं 3 बजे भी रात में सोती हूँ तो भी मैं 8:30 बजे उठती हूँ, तो मेरा वो उठने वाला रूटीन एकदम ये है कि मैं उतना बजे उठना ही है। तो मैं उठी, थोड़ा सा फ्रेश हुई, फिर मैं नीचे गई किचन विचन को देख ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और तो किचन में सब काम हो रहे हैं तो मेरा कोई काम नहीं है। सो मैं बोली कि इधर बहुत ही प्यारा सा सन इफ़ेक्ट आ रहा है, सो आई थॉट कि मैं मॉर्निंग स्किन केयर आपके साथ शेयर कर दूँ। तो रात में मैं फेस वॉश बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द टाइम फेस वॉश नहीं करती हूँ, 24 आवर्स में सिर्फ मैं वन टाइम ही फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा भी फेस वॉश का यूज़ करना इज़ नॉट गुड थिंग। तो हाँ फेस वॉश मैंने रात में और मैंने ना डॉट एंड की का स्किन केयर मैं अप्लाई की हूँ एंड सच बताऊँ तो बहुत अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। सो स्किन भी मतलब माशाल्लाह काफ़ी बेटर हो रही है पहले से, नज़र ना लगे क्योंकि बहुत जल्दी मेरी स्किन को नज़र भी लग जाती है। सो अभी ना मेरे को सूट अपना सिलना है, जैसे कि अभी टाइम है मेरे पास, बट आज बिल्कुल ही टाइम ही मिलने वाला है, तो मेरे को एनी हाउ सूट को आज रेडी करना है क्योंकि मुझे कल उसे पहनना है। तो अभी मैं मॉर्निंग में दिखा रही थी कि मैं क्या क्या स्किन केयर करती हूँ। ओके ना, सो लेट्स जॉइन। आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी मोर थिंग, मतलब मॉर्निंग टाइम पर मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ जो कि मामा अर्थ का ये कोको मॉइस्चराइज़र है, इट्स नरिशिंग कोल्ड क्रीम विथ कॉफ़ी एंड विटामिन ई, तो ये अच्छा है मेरे स्किन के लिए, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आता है। और पहले मैं लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया करती थी, बट जब वो ख़त्म हुआ तो मैं देखी कि मेरे पास ये है, मामा अर्थ ने भेजा था मुझे, तो मैं उसके बाद ना ट्राई करने लगी क्योंकि मेरे पास मैं हमेशा लैक्मी का यूज़ किया करती थी, बट जब मैं इसको ट्राई की तो यार ये तो लैक्मी से भी अच्छा लगा मुझे, तो बस उसके बाद से मैंने कंटिन्यू कर दिया इसी को एंड या बहुत बहुत अच्छे, मतलब स्किन पे एक भी दाने वाने नहीं आने देता, उसके साथ साथ डॉट एंड घी का जो मैं स्किन केयर कर रही हूँ ना वो भी बहुत अच्छा है।
पे हल्का सा टिंट चीक वीक पे नहीं अप्लाई करूंगी क्योंकि घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं तो बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि आप मतलब टेंट वगैरह लगा के घर में घूम रहे हो। हाँ बाहर जाना रहता है या शूट करना रहता है, सो दैट जस्ट अनदर थिंग, बट सिर्फ लिप पे हल्का सा अप्लाई कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट है। वैसे टेंट के अलावा मैं लिप बाम भी यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं पहले टेंट यूज़ करूँगी उसके ऊपर से लिप बाम, नहीं तो सिर्फ मैं लिप बाम ही यूज़ करूँगी क्योंकि अभी हल्के हल्के पिंक लग रहा है अच्छे से। सो इट्स माई स्किन विदाउट सन रेज, लाइक विदाउट सन किस, सन किस इधर हो रहा है अभी एंड इट्स माई स्किन, मतलब अच्छा हो रहा है यार। मैं सिर्फ लिप बाम अप्लाई करूँगी और मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसी लिप बाम को इस्तेमाल कर रही हूँ, इट्स हिमालय का लिप बाम, काफ़ी बेटर होता है ना। एंड या दैट्स इट, मॉर्निंग में सिर्फ टू स्टेप, वन स्टेप स्किन केयर एंड वन स्टेप लिप केयर एंड आई एम डन। थोड़ा सा मैं हेयर को कोम कर लूँ क्योंकि रात में मैंने शूट करा था तो हेयर मेरा बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। सो या नाउ आई विल कोम माई हेयर, फिर देखते हैं। बस मेरा डॉल का भूखा सब आ गया, सोनी आप ही डॉल है, याशुना आप ही डॉल है, मतलब इन बच्चों को ना मैं क्या बोलूँ, डॉल मैं बाय करके लेके आई हूँ। देखो ये लोग पड़ोस के बच्चे हैं बट फुल डे ये लोग मेरे घर में रहते हैं क्योंकि इन लोगों को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है और मैं इन लोगों को खाने के लिए भी बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें देते रहती हूँ। तो जहाँ बच्चों को ऐसे इंपॉर्टेंस मिलता है ना, बच्चे वहीं आना पसंद करते हैं और मेरे घर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो नाउ दे आर कमिंग, लेट्स सी, देखना आते थे क्या रिएक्ट करेगा। क्या बोल रहे हो? बदमाशी नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला बहुत मार मारते हैं। तो मैंने अपने बन को सिक्योर कर लिया है एंड मैं क्लचर अप्लाई कर लेती हूँ सिंपली। ऐसे क्या होता है, बाल सिक्योर रहते हैं तो एक दूसरे में चुभते भी नहीं है और मेरे दोनों तरफ से ऐसे देख रहे जैसे कि उफ, तो ऐसे चुभते भी नहीं है और पता है बाल रगर हो करके टूटते भी नहीं है। मतलब ब्रेड बनाती हूँ तो बाल में दाग आ जाते हैं बट मुझे कल बाल वॉश नहीं करना है, मैं सोच रही हूँ कि बस स्ट्रेट बाल है अच्छे से। एंड या ऐसे ही नॉर्मल से मेरा स्किन केयर हो गया है, रूम को सही कर लेते तो मैं सोचती हूँ आपको शेयर कर दूँ फिर ना। सो लेट्स शेयर इट, नहीं आप लोग पीछे जाइए तो जल्दी से फट से, हम रूम सही करके आप लोग बुलाएंगे। ठीक हाँ हम आपको सब दे देंगे। ओके सो गाइज मेरा फुल ऑन स्किन केयर वगैरह हो गया था, फिर रूम में कुछ कपड़े थे तो मैं बोली कि चलो ठीक है सबको तय लगा देती हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे अपना सूट कटिंग करना था तो मैं अपने सूट पे इस तरीके से निशान लगा रही थी कि कैसे कैसे कट होगा। और हाँ मुझे लाइक सूट सलवार दोनों को मैं एक एक दिन करके रेडी की थी, एक दिन में दोनों रेडी नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत सारे काम थे घर में। एंड इस ब्लॉग के बाद मैं आप लोग को शेयर करूँगी मिलाद का ब्लॉग। एंड मिलाद देखो उतना ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुआ था बट हाँ अच्छे से हो गया था, तब भी लगभग में 50-60 लोग आ गए थे एंड काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी इंजॉय हुआ था। तो मैं वो वाला ब्लॉग आप लोग साथ ज़रूर से शेयर करूँगी इसके बाद। एंड इस टाइम में मैं कटिंग कर रही थी
सो या कटिंग करने में भी बहुत दिमाग लगता है। वैसे स्ट्रेट सूट था तो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बट इसके बाद अगर कुछ फ्रॉक वगैरह कट करना रहते या फिर कुछ और भी कट करना रहता है थोड़ा सा उस सब में दिमाग लगता है। लेकिन मैं बताऊँ आप लोग को, सूट से ज़्यादा ना फ्रॉक कटिंग करने में मेहनत नहीं है, सूट में ज़्यादा मेहनत है, फ्रॉक कटिंग करने में सूट से कम मेहनत है। तो मुझे फ्रॉक की कटिंग ज़्यादा पसंद है। सो या बस इतना ही था आज का ये ब्लॉग, आई होप पसंद आया हो, फॉलो लाइक कर देना भाई।